ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने भोलेपन की इतनी कड़ी सजा। कौन है ये? आग है हुजूर, आग। तुम सचमुच मौजूद हो ना? अल्लाह जाने किसका गम है। नरगिस! ये नरगिस है नवाब जान की छोटी बहन, जिसकी दिलरुबा आवाज और जिसके घूंघरों की झंकार ने एक धूम मचा रखी है। कितने दिल है जो इसकी ठोकरों में तड़पते रहते हैं और ये उन पर लापरवाही से नाचती रहती है। हाँ, मगर ये कौन है जिसके आते ही नरगिस अपने इस नापाक माहौल में मुरझा कर रह जाती है। इसकी रूह फरियाद करने लगती है, शहाब मुझे यहां से ले जाओ। और शहाब की आंखों में तड़पता हुआ इसे यकीन दिलाने लगता है, हाँ नरगिस, इन बदनाम महफिलों में पिघलती हुई इस शमा को मैं यहां पिघलने नहीं दूंगा। एक रात मैं आऊंगा और तुम्हें इस दोज़ख से निकाल ले जाऊंगा। वादे की रात जिसके इंतजार में नरगिस अपनी हर बेचैन रात अपनी ख्वाबगाह के झरोके में खड़े खड़े गुजार देती थी। नरगिस, नज़ो, कुछ कहो। शाब, तुम सचमुच मौजूद हो ना? हाँ नज़ो। और मैं तुम्हारे पास हूं। हाँ नचो, तुम मेरे पास हो। अब तुम मुझे अपने घर लिए जा रहे हो। तुम्हारा घर किसी बहुत ऊंची जगह पर है, बिल्कुल सफेद, और मैं लाल जोड़ा पहने तुम्हारी दुल्हन बनी हुई उस घर के किसी दलान में डोली से उतर रही हूँ। बच्चा जानी,
اے غیرت، ایک طوائف کو بیا کر اس گھر میں لانے کی تجھے جرت کیسے تھی؟ بابا، ایسے ناپاک الفاظ آپ اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، جو میری معصوم محبت ہے اور آپ کے خاندان کی بہو ہے۔ خاموش، یہ بازاری گالی تم ہمارے خاندان کو نہیں دے سکتے، یہ ہماری بہو نہیں، تمہارا گناہ ہے۔ اللہ، ٹھہرنا بھیا، ٹھہرنا۔ کہاں جائیے گا بی بی جی؟ مجھے کسی قبرستان لے چلو۔ چاری نرگس ڈولی سے اتر کر موت کے اس بھیانک جنگل میں اکیلی کھڑی رہ گئی ہے۔ اس کے سارے ارمان، سارے خواب اسے یہاں بے سہارا چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں۔ صحاب اپنی مظلوم دلہن اور اپنی لٹی ہوئی محبت کی تلاش میں نہ جانے کن کن بازاروں کی خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ نرگس سے کیے ہوئے صحاب کے سب وعدے اب اس کے دشمن بن گئے ہیں، جو اسے یہاں وہاں بھٹکا بھٹکا کر اپنی ذلت کا انتقام لے رہے ہیں۔ یہ کنگن کس کا ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ ہمارا ہے۔ تمہارا؟ ہاں، یہ ہمارا ہی ہے۔ اور یہ تو کسی اور کا ہے۔ کس کا؟ کیا نام بتاؤں اس کا؟ اللہ جانے کون دکھیاری ہے وہ۔ 10 مہینے سے ہمارے قبرستان میں آ پڑی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ کیا اس پر بیتی ہے؟ کچھ نہیں بتاتی۔ اللہ جانے کس کا غم ہے جس میں روتی بھی نہیں اور چپکے چپکے مرتی جا رہی ہے۔ Thank you.
उस कम नसीब के बाल सुनहरे तो नहीं है? हाँ सुनहरे ही तो है। मुझे उसके पास ले चलो, वो नामुराद मेरी बहन है। कहाँ है? भोलेपन की इतनी कड़ी सजा किस तरह काटी होगी तूने? किस तरह मौत के सुनसान वीराने को सहा होगा? कितना रोई होगी तू, कितना रोई होगी? कुछ सामान भी है, इसे तुम बेच डालना। माता जी क्या है? वो किताब मिल गई जिसकी आपको तलाश थी। अच्छा मिल गई। लाइए दिखाइए। कहिए क्या दे दूं? अजी मुझे तो दुआने में पड़ी है, आप जो चाहे दे दीजिए। अच्छा ये लीजिए। ओहो ये किसका खत है जो अपने पते पर नहीं पहुंचा? तो अब आप इसे पहुंचाने भी जाएंगे? क्यों नहीं, ये तो बड़े सवाब का काम है, जरूर पहुंचाऊंगा। मेरे सरताज, इतनी अच्छी मेरी तकदीर न थी कि तुम्हारे दरवाजे से मेरा जनाजा निकलता और तुम मुझे अपना कंधा देकर कब्रिस्तान पहुंचाते। लेकिन मुझे जीते जी तुम्हारे घर से निकलकर खुद ही अपने लिए कब्रिस्तान ढूंढना पड़ा। आज मैं तुम्हारी इस नाइंसाफ दुनिया से जा रही हूं। ये खत तुम्हें कल मिल जाएगा, इसे पढ़ते ही यहां चले आना और मेरे सुनसान गोद से इस बेकसूर बच्चे को ले जाना जो तुम्हारी बेटी है। हमारी मुलाकात अब कयामत के दिन होगी। खुदा हाफिज़ तुम्हारी बीमार नरगिस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
उनकी एक बेटी भी तो थी। हाँ थी, मगर उसको तो उसकी खाला ले गई थी। खाला? पहलवान, यहाँ ताला क्यों पड़ा है? अरे कब गए? तड़का होते ही गए हैं। कुछ मालूम है कहाँ गए? पाकता इस मुनेर से उड़ी है, फिर किस मुनेर पे बैठती है किसे मालूम। चलो। अरे पांडे, अरे ओ मुछड़, रोज मुफ्त के पान चबाता है तो ये मुझे भी तो नीचे कर। बदल कर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। माफ कीजिएगा, आपका
आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर। आपके पांव देखे, बहुत हसीन हैं। इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हम सफर। आग है हुजूर, आग। जी हाँ हुजूर, आजकल सारे शहर को ये आग लगी हुई है। लेकिन अभी तक हमारे दामन को तो नहीं लगी। लग तो गई है, रात तक भड़क भी जाएगी। आइए इधर तशरीफ रखिए। नवाब ज़ादा जाफर अली खान साहब शहदा, रईस आजम पानीपत। तस्लीम अर्ज करती हूँ। अरे भाई जरा देखना, क्या देख रहे? जी अच्छा,